क्योंकि उदाहरण है हमारे राम के मानस में, उन्होंने जंगल में जाकर के किससे पूछा है राम ने, एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पेड़ पौधों से भी पूछा उन्होंने तो तुम नहीं गवाही दोगे तो पेड़ पौधे गवाही देंगे। लाउड स्पीकर लगा हुआ है जो नहीं दूर तक आवाज जा रही है, कोई ये नहीं कह सकता मेरे कान में आवाज नहीं दे। तो ये है संदेश बाबा जयगुरुदेव जी महाराज का। तो कलयुग कभी गया नहीं है, सतयुग कभी आया नहीं, दोनों की अरे वो तो अभी है कि दोनों की संघर्ष मेला चल रही है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, ये माथा पच्ची चल रही है। कलयुग भगवान कह रहे हैं कि भैया चलो इधर, अब जानते हो इधर इन्होंने कानून क्या बनाया, कलयुग भगवान का क्या कानून है जानते हो, शराब पीना जिससे भी भयंकर है, बोल लगवा दिया। और जब लाइसेंस दे दिया तो क्या लिखवाया, ठहरिए मदशाला इधर और आपका ध्यान इधर, इस पर पाबंदी नहीं है। क्या है कि बीच से भयंकरी शराब के बतावल, बीच से भयंकरी शराब के बतावल, ठिकवा के ऊपर मधुसरावा लिखावल, अरे ऐसा कम बुद्धि के समझाई कैसे, लागल दसवा में आग बुझाई कैसे, लागल दसवा में आग, पूरे देश में आग लगी हुई है, शराब पी करके देश के नौजवान पुरुष सभी लोग जो है पी करके मर रहे हैं, क्या इनके दिल दिमाग में बात नहीं जा रही है, इसको तकलीफ किसको होती है। वो इस देश के जो जिम्मेदार होते हैं सृष्टि के नायक उनको संत कहते हैं। जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है तो कोई राजा महाराजा चिंतित नहीं होता है।